नमस्कार दोस्तों, सभी ट्रायल्स कंप्लीट होने के बाद अभी पहली वैक्सीन को, दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, इसको इंग्लैंड में इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। दोस्तों, फाइजर एंड बायोटिक की वैक्सीन, इन्होंने अपने अंतिम चरण में ट्रायल्स में कहा था कि हमारी वैक्सीन जो है 95% इफेक्टिव है और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। तो अभी इंग्लैंड में इस वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है। अगले हफ्ते से वहाँ इसका वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। लगभग 8 लाख डोज अगले हफ्ते तक जो है इंग्लैंड को मिलने वाले हैं फाइजर एंड बायोटिक कंपनी से। और ये डोज सबसे पहले जो नेशनल हेल्थ स्टाफ है, मतलब वहाँ की जो नेशनल हेल्थ स्कीम है उसमें जो मेडिकल स्टाफ आता है उनको दिए जाएंगे, और जो सीनियर सिटीजन्स है, नर्सिंग केयर होम्स में जो लोग रहते हैं, ओल्ड एज लोग, उन लोगों को ये सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। मानव जाति के हिसाब से देखेंगे तो पहली अभी COVID-19 की वैक्सीन आ गई है, और आने वाले दिनों में और वैक्सीन्स है उनको इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा। अगर देखा जाए तो ये वैक्सीन अमेरिका में तैयार हुई है, लेकिन अभी तक USFDA से इसको अप्रूवल नहीं मिला है। और कहा जा रहा है कि 10 दिसंबर को जो है USFDA इस वैक्सीन को अप्रूव कर सकती है। इसके बाद पूरे अमेरिका में जो है 24 घंटे के अंदर इसका वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद यूरोपियन यूनियन में भी इन्होंने अप्लाई किया है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए। तो फाइजर के बाद अभी मॉडर्ना वैक्सीन को जो अप्रूवल मिलना लगभग तय है, और मॉडर्ना वैक्सीन में देखा गया है कि 100% देखा गया है कि कोई सीरियस इन्फेक्शन देखने को नहीं मिला है। मॉडर्ना कंपनी का जो एग्रीमेंट हुआ है स्विट्जरलैंड की लोनजा कंपनी के साथ हुआ है। भारत में अभी तक कोई कंपनी के साथ इसका एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों हमें लगता है कि जो वैक्सीन सक्सेस हुई है, जो बाकी दूसरी फार्मा कंपनीज है उन लोगों ने उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए और उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो वैक्सीन सक्सेस हुई है उसके नतीजे अच्छे आए हैं, उसका प्रोडक्शन अभी बड़े पैमाने पर बढ़ाने की ज़रूरत है। फाइजर एंड बायोटेक ये दोनों कंपनी जो है इस साल के अंत तक 2 से 4 करोड़ डोज बना सकती है, और अगले साल में 100-100 करोड़ डोज बना सकती है। तो पूरी दुनिया की जो डिमांड रहेगी इससे काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो बाकी जो फार्मा कंपनीज है, जो दुनिया की जो सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर्स है, उन लोगों ने इनके साथ भी टाइप कर लेना चाहिए। तो ज़्यादा वैक्सीन्स अवेलेबल होगी तो लोगों के साथ ऑप्शन रहेगा कि वो कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं, और दूसरा फायदा ये रहेगा कि कम समय में ज़्यादा डोज अवेलेबल हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिले और इसका इस्तेमाल करके ये जो पैंडेमिक है इसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। धन्यवाद।